हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज एसएससी एसएसएल का 10 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जैसा कि हो चुका है, तो दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे जो कि 100% एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तथा पास के बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। पहला प्रश्न है दोस्तों कि लता मंगेशकर को पद्म भूषण कब मिला था। तो दोस्तों इनको जो पद्म भूषण है वो मिला था आपका 1969 ईस्वी में। वहीं दोस्तों पद्म विभूषण 1999 ईस्वी में दोस्तों मिला था। दोस्तों लता मंगेशकर से बहुत सारे शिफ्टों में फर्स्ट पूछे गए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि अगला फैक्ट है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला। तो भारत रत्न दोस्तों इनको 2001 ईस्वी मिला। वहीं पर देखें दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो उन्हें 1989 में मिला था दोस्तों। वही राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड दोस्तों मिला है आपका 1999 ईस्वी में। अगला है दोस्तों कि रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। तो दोस्तों रामनाथ चौधरी का जो संबंध है दोस्तों वो आपका है आंसर अलगोजा से। अगला दोस्तों कि ब्लैक पेंगोंडा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ब्लैक पेंगोंडा आपका स्थित है कौन भारत के उड़ीसा राज्य में। दोस्तों कोणार्क में इसी सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पेगोडा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित 13वीं सदी का एक हिंदू मंदिर है। अगला फैक्ट है कि मंदिर का निर्माण पूर्व गंग राजा नरसिंह देव प्रथम ने दोस्तों इसका निर्माण कराया था। अगला दोस्तों कि 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत देश में सबसे अधिक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो आपका है मिजोरम। मिजोरम में दोस्तों 94.8%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1%, वहीं अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 68.8%। वहीं पर दोस्तों लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अनुसूचित जनजाति संख्या है दोस्तों आपका 94.8% है और ये केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों सबसे अधिक है। अगला है दोस्तों द कन्वेंशन इन ऑटोग्राफी बुक रिटन बाय। तो दोस्तों द कन्वेंशन जो बुक है वो आपका है जीन जेकोस रोस्क्यू का है दोस्तों बुक। अगला है दोस्तों की 5.1 बुक किसका है। तो ये दोस्तों आपका है चेतन भगत का। अगला दोस्तों को 2021 में अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है। तो ये आपको मिला है दोस्तों अपर्णा साथी सन को, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है। अगला दोस्तों की भारतीय फुटबॉल संघ का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों भारतीय फुटबॉल संघ का जो स्थापना है वो आपका हुआ था दोस्तों 23 जून 1937 ईस्वी को। अगला दोस्तों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दोस्तों इंडिया की रैंकिंग है 101वां। 2021 में भारत को 116 देशों में दोस्तों 101वां स्थान दोस्तों भारत को मिला है। 2020 में इसका जो रैंकिंग था दोस्तों 94 था, उसमें टोटल देश से 107 देशों में 94 स्थान पर दोस्तों भारत रहा था। अगला दोस्तों कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों पंकज आडवाणी है वो आपका बिलियर्ड्स या स्नूकर खेल से दोस्तों संबंधित हैं। अगला है कि लोहा आवर्तशानी की किस समूह से संबंधित है। तो लोहा आवर्तशानी है दोस्तों वो आपका संबंधित है 8वें समूह का दोस्तों, ये पहला तत्व है। इसका परमाणु संख्या दोस्तों होता है 26, द्रव्यमान संख्या होता है दोस्तों 55 और रासायनिक प्रतीक है दोस्तों Fe। अगला दोस्तों कि मल्लिका साराभाई किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। मल्लिका साराभाई शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। वह गुजरात की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो कि एक कुशल भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तक की है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि इंदौर घराने के संस्थापक से कौन संबंधित है। तो दोस्तों इंदौर घराने के संस्थापक है आपका उस्ताद अमीर खान। अगला है दोस्तों कि अनूप जलोटा का संबंध किससे है। तो दोस्तों अनूप जलोटा का जो संबंध है वो आपका है दोस्तों गायक से। 2022 में उन्हें भारत सरकार द्वारा दोस्तों पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है और भारतीय संगीत की भजन शैली में उनके योगदान के लिए दोस्तों जाना जाता है अनूप जलोटा को। अगला है दोस्तों कि भोजन पचाने में कौन मदद करता है। तो दोस्तों ये आपका पेनक्रियाज है जो कि भोजन पचाने में आपका मदद करता है आपका। अगला है दोस्तों कि C6H6 किस रासायनिक का नाम है। तो दोस्तों ये आपका व्यंजन
का रासायनिक नाम है दोस्तों C6H6। अगला दोस्तों कि रेवेनॉन्स का सिनोनिम पूछा है दोस्तों, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों रेपास्टियस एंड बोराक्सियस। दोस्तों इन दोनों में से जो भी आप सही मारेंगे वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो किस की है दोस्तों वो आपका क्या क्रिश्चियन डी डुवे ने जो प्रथम 1998 ईस्वी में दोस्तों लाइसोसोम की खोज किया था। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज हमें सभी छात्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों में शेयर कीजिए तथा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा पास के बेल बटन को भी दोस्तों प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।